You guys, hi. कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही दिनों बाद जिम में आई हूँ और मैंने बहुत ही अच्छे से वर्कआउट किया. आज मैंने बैक ट्रेन किया. मैं बहुत दिनों बाद इसलिए आई क्योंकि मैंने मेरे घर की लीज बेसिकली रिन्यू की और रिन्यूअल के साथ साथ मेरे घर का पुनर्जन्म करवाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि पेंटिंग बाकी था, पेस्ट कंट्रोल बाकी था, रिपेयर बाकी था, इलेक्ट्रिकल वर्क बाकी था. आई थिंक मेरे साथ कम से कम 1,000-2,000 टर्माइट्स एंड कॉकरोचेस मेरे घर के अंदर रह रहे होंगे. वैसे हम काफ़ी पीसफुल रहते हैं, मानना नहीं है, बट हाँ, सो उन सब के चक्कर में काफ़ी दिनों से मैं जिम में ना आ पा. तो आज हमने ट्रेन किया बैक. मैं बहुत ही रेपिटेटिव साउंड करूँगी अगर मैं आपको आफ्टर लेग्स एंड अपर बॉडी बैक के लिए भी बोलूँ कि बैक ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब, एक्चुअली सब मसल ज़रूरी है. लेकिन अगर मुझे आपको ऑब्जेक्टिवली बताना है कि बैक ट्रेन करना लेडीज़ के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, तो ये है वो पॉइंट. नंबर वन, बैक बेसिकली हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी का कनेक्टिंग पिन, मतलब लिंक पिन टाइप का है. आपका ओवरऑल बॉडी को जो होल्ड करता है साथ में, वो है आपका बैक. इस वजह से आपका ओवरऑल बॉडी का पॉस्चर, रेस्ट ऑफ द बॉडी की फिटनेस, रेस्ट ऑफ द बॉडी की वेलनेस, बैक की हेल्थ और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है. नंबर टू, अगर आपका बैक स्ट्रॉन्ग है तो एक स्ट्रॉन्ग और वाइड बैक आपकी कमर को ज़्यादा नैरो दिखाने का इल्यूजन पैदा करता है. तो वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट. एक वाइड शेपली बैक आपको आर ग्लास बॉडी शेप देने में बहुत हेल्प करता है. नंबर थ्री, बैक बोन. अगर ये टर्म को आप लिटरली कंसिडर करते हैं तो हम लेडीज को आगे वी हैव बस्ट. सो जो आपके बस्ट को भी होल्ड करता है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपर बैक और मिडिल बैक की रहती है. काफ़ी बार जो लेडीज बस्टी होती हैं उनको वो हमेशा बैक पेन का कंप्लेन करती है. को बेसिकली अपटाइट होने के लिए ज़्यादा मास, ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है एंड इवेंचुअली फिर आप स्लाउच करना शुरू कर देती हो और उसके वजह से बैक क्रेम पेन होता है, फिर ओवरऑल बाकी सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बस्ट को अच्छे से होल्ड कर पाए और पॉस्चर को ज़्यादा स्लाउच ना करें बिना, तो फिर आपको बैक ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सॉरी गाइस, थोड़ा शूट लोकेशन चेंज करना पड़ा. सो नंबर फोर, मैं आपको बता रही थी कि हमारी बैक एक इनविजिबल बॉडी पार्ट है जो हमको फर्स्ट इंस्टेंस मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो वो दिखती नहीं है. काफ़ी बार जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है वो हम इग्नोर कर देते हैं कभी कभार. जैसे कि आप जितनी बार अपने चेहरे को देखते हो उतनी बार शायद आप आपके नेक के पीछे के हिस्से को नहीं नोटिस करते हो. सो इसी वजह से बैक काफ़ी बार हमारे ट्रेनिंग या एक्सरसाइज या फिटनेस रिलेटेड चीज़ों से वो थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द लिंक पिन पॉइंट, कि आपका चेहरा, शोल्डर्स, बस्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड लोअर बॉडी, ये सब कुछ एक ही चीज़ से कनेक्टेड है जो कि है आपकी बैक. इसलिए आपको इनविजिबल मसल को भी इग्नोर नहीं करना है और इनफैक्ट एम्फोसिस के साथ ट्रेन करना है. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेजॉरिटी जो लेडीज़ होती है उनको हमेशा से लोअर बैक का प्रॉब्लम हो जाता है. वो हज़ारों चीज़ों की वजह से हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो आपका बैठने का पोजिशन हो, स्लीपिंग पोजिशन हो, पॉस्चर इन जनरल हो. इनफैक्ट काफ़ी लेडीज पता है जो अपने से लाइक बस साइज से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है ना, वो नेचुरली ऐसे करके चलने लगती है और इससे ना हमारी बैक राउंड होने लगती है और उसके साथ सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो अगर आपको आगे चल के लोअर बैक प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है तो वो आपकी बैक ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. लास्ट एज अ रीज़न कि जस्टिन टिम्बरलेक सेक्सी बैक नाम का गाना बनाता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा एल शेप वाइड एकदम तराशी हुई बैक. चलो मैं आपको आज ट्रेन करवाती हूँ बैक. तो शुरुआत करते हैं वार्म अप से, जिसमें बैक को हम अलग अलग तरीके से स्ट्रेच, बेंड और ओपन अप करते हैं. जैसे यहाँ पे आप मुझे व्हील पोज यानी चक्रासन करते हुए देख रहे हैं.
यह आपके फुल बैक को ओपन, बेंड और स्ट्रेच करता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसी के उल्टे फॉर्म में यानी पुअर पॉस्चर में स्लाउच करके बैठते हैं, सोते हैं, जो कि बैक पेन को लीड करता है। अगर आप ये प्रोग्रेसिवली करते जाएंगे, आप इसका शार्प यू टर्न फॉर्म कर पाएंगे, जो बैक के लिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट है। नेक्स्ट मैंने किए थे डेड हैंग्स, जो कि अगेन एक फुल बैक और बॉडी स्ट्रेचिंग मूवमेंट है। मैंने एक्चुअली ये बच्चों को ट्रेन में ये करते हुए देखा था, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर हमारा इंटेंशन हो तो हम कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, जो कि मैं एक वार्म अप मूवमेंट की तरीके से कर रही हूँ। इसमें मैं अपनी पूरी बैक को आर्च करूँगी, अपने बटक्स को पीछे पुश करूँगी और बाकी की बॉडी स्टैटिक रख के सिर्फ मेरे आर्म्स और मिड बैक पे फोकस करके मूवमेंट करूँगी। वाइड ग्रिप के वजह से मैं वेट ज़्यादा नहीं उठाती हूँ, लेकिन ये मूवमेंट में अगर आप रेप्स अच्छे से करेंगे तो विदाउट एडिंग थिकनेस बैक पे आपकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ के आपकी वेस्ट नैरो करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। मैंने इस मूवमेंट के 4 सेट किए, करीब अबाउट 12 से 15 रेप्स के। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, जिसके लिए मैं यहाँ पे प्रेप कर रही हूँ। गर्ल्स, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। एक कंपाउंड मूवमेंट, यानी ये आपके फुल बॉडी को एक्सरसाइज करती है विद एक्स्ट्रा फोकस ऑन योर बैक, योर लेग्स, योर ग्लूट्स एंड योर आर्म्स। ओ बाय द वे, लास्ट ईयर मेरे जिम में डेडलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मैं फर्स्ट आई थी, उसका वीडियो मैं एंड में डालूंगी। गर्ल्स, नॉर्मली आपने ये मूवमेंट लोगों को बारबल यानी स्ट्रेट रॉड के साथ करते देखा होगा। मुझे पर्सनली ट्रैप बार के साथ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ट्रैप बार का वेट ज़्यादा होता है, 20 पाउंड का एक्स्ट्रा, फिर इससे मुझे रेंज ज़्यादा मिलती है और मेरा फॉर्म। नोटिस कीजिए कि ये जो मूवमेंट है, यानी किसी भी चीज़ को ज़मीन से उठाने की, ये हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे भी करते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज से हमको पता चलता है कि ये आइडियल तरीका है अपनी बैक को बिना डैमेज करे झुकने का। यानी आपकी बैक को स्ट्रेट रखो, अपने बटक्स को आर्च करो और चीज़ों को उठाओ। क्योंकि मैं डेडलिफ्ट पिछले 5 सालों से करती आ रही हूँ, मुझे ये बहुत ही चैलेंजिंग मूवमेंट हैवी वेट के साथ करना बहुत पसंद है। और ये मेरे वर्कआउट के बिगिनिंग में ये करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये फुल बॉडी मूवमेंट है, इसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए और मैं खुद को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देती हूँ ये मूवमेंट के साथ। मैं नॉर्मली इसके 4 सेट करती हूँ, अराउंड 10 से 12 रेप्स के। और गाइज, ये मेरे पूरे वर्कआउट की ऑलमोस्ट 30-40% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज में आपका फॉर्म सबसे ज़रूरी है। बिफोर कि आप ज़्यादा वेट उठाना शुरू करें, प्लीज़ आपका फॉर्म आप सेट कर लो, और उसके बाद यू विल लिटरली हैव द बेस्ट बैक। Oh, the struggles of not having a better way to make videos. Next exercise है close grip pull down. Ladies, ये एक vertical movement है जो कि आपकी upper back, middle back और कमर पे work करती है। अब compared to the wide grip pull down जो मैंने पहली exercise में किया था, जो कि आपको चौड़ाई लाने में help करता है, narrow grip में आप weight ज़्यादा उठा सकते हैं। और क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के इसको कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे रेंज यानी खिंचाई भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। गर्ल्स, बैक एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हम मिरर में एक्सरसाइज करते वक्त देख नहीं पाते, इसलिए एक टर्म जो कि है माइंड मसल कनेक्शन, ये इस वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि हम हमारे अनसीन बॉडी पार्ट के किस मसल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप आपकी बैक के कम समय के वर्कआउट के अंदर भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। माइंड मसल कनेक्शन को डेवलप करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ अपना अटेंशन वर्कआउट पे रखो। म्यूज़िक चेंज करने में या लोगों से बात करने में एनर्जी आपकी डिस्ट्रैक्ट मत करो। नंबर 2, जिम में अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जो आपके बैक के मसल को टच करके आपको बता सके कि ये एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट इस मसल पे आना। और 3, आपने एक बार सीख लिया कि किस मूवमेंट का किस मसल पे इफ़ेक्ट आना है तो आप किसी ट्रायल रूम के मिरर में या अपने बाथरूम में यही एक्सरसाइज को डमी करके देख सकते हो, अपनी मसल को टच करके कि जब आप ये मूवमेंट करते हो तो उधर इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं। इट इज़ माइंड मसल कनेक्शन एक गेम चेंजर है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी इसको टाइम और प्रैक्टिस के साथ अचीव कर सकते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज के 4 बहुत ही ज़्यादा हैवी सेट्स किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टी बार रो। लेडीज, इसमें एक लैंडमाइन अटैचमेंट यूज़ होता है, यानी एक रॉड को दीवार से फिक्स करके जोड़ना है। वेट आपके हिसाब से लगा के बार के ऊपर ऐसे 45 डिग्री एंगल में खड़े रहना है। क्लोज ग्रिप के लिए डबल डी बार अटैच करना है और वेट को ज़मीन से इस तरीके से उठाना है। बैक स्ट्रेट, बटक्स पुश्ड आउटसाइड, बाकी की बॉडी फ्रोजन, सिर्फ हाथ और मिडिल बैक से ये मूवमेंट करनी है। इसको आप जितना स्लोली करोगे आपकी बैक ज़्यादा वर्क होगी। इस मूवमेंट के मैंने 4 सेट किए 10-10 रेप्स के। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप सीटेड रो। वेल, जैसा नाम वैसा काम। ये मूवमेंट में आप चौड़ी ग्रिप से बार के सेंटर और उसके लगे वेट को अपनी चेस्ट की ओर हॉरिजॉन्टली पुल करेंगे। याद है मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर आपकी बैक में चौड़ाई है तो आपकी वेस्ट नैरो और शेप में दिखने में बहुत मदद हो जाती है। मैंने इस एक्सरसाइज के 3 सेट किए हैवी वेट के साथ अंटिल फेलियर। नॉर्मली मेरे लिए फेलियर इज़ अराउंड 14 से 16 रेप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड रोप लैट पुल डाउन। ये मूवमेंट आपके बैट विंग्स यानी जो आर्मपिट के वहाँ फैट इकट्ठा होता है उसको अच्छे से टारगेट करके लीन आउट करने में हेल्प करता है। और ये आपके बैक पे जो ब्रा फैट हम बोलते हैं उसको भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। इस मूवमेंट में आपकी बैक को स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स को ज़्यादा अपटाइट मत करें और माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करके हर रेप में अपने बैक को पीछे ऐसे स्क्वीज करें जैसे कि आपके बैक में पीछे एक पिन रखी हुई है जिसको आपको गिरने नहीं देना। मैंने इस एक्सरसाइज के 3 हैवी सेट किए अंटिल फेलियर। मेरे लिए इस एक्सरसाइज में फेलियर इज़ अप टू 12-14 मूव्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल रोप रो जो कि रेयर डेल्स को फोकस करता है। लेडीज़, रेयर डेल्स का प्राइमरी काम है आपके शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना, आपके पोस्चर को बेहतर दिखाना और आपके आर्म्स और चेस्ट को बेटर शेप्ड आउट दिखाना। लेडीज़, ये ब्रा फैट को कम करने में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। नोटिस कीजिए जैसे मेरा पूरा बॉडी एकदम स्टैटिक है, मेरे सिर्फ आर्म्स वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करते करते साइड की तरफ वजन को नीचे लेकर आते हैं। इसके वजह से हमारे चेस्ट से जो ओवरलैपिंग चर्बी पीछे आती है उसके लिए सॉर्ट ऑफ एक बाउंड्री सेट करके आपकी बैक को विदाउट एनी रिंकल्स चर्बी एंड क्रीज बना देती है। मैंने इस एक्सरसाइज को भी हैवी कैपेसिटी में किया अंटिल फेलियर जो कि मेरे लिए है 15-18 रेप्स, इसके 3 सेट।
गाइज लास्ट एक्सरसाइजेस वर्कआउट की है फेस पुल. इसमें जैसे नाम सजेस्ट करता है, वेट मैं रोप के थ्रू अपने फेस की तरफ पुल कर रही हूँ. ये मूवमेंट भी आपके लैट्स और रेयर डेल्स को टारगेट करता है, वहाँ से चर्बी हटाता है और आपके शोल्डर्स को बहुत ही अच्छे से शेप करता है. मैंने इस एक्सरसाइज के 4 सेट किए, अबाउट 15 से 18 रेप्स के. तो गाइज ये था मेरा आज का बैक वर्कआउट. कूल डाउन करने के लिए मैंने कुछ डायनामिक स्ट्रेचेस किए, डेड हैंग्स किए और फिर एक्सरसाइज बॉल पे अपनी फुल बैक को स्ट्रेच करते करते तारे गिने. बॉम्बे की गर्मी और जिम में शाम की गर्दी, गर्दी यानी बॉम्बे का टर्म है भीड़ के लिए, को मद्देनज़र रखते मैंने फिल्मिंग थोड़ा लिमिटेड रखा था. लेकिन हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से मैं मेरे वर्कआउट के जो पॉइंट्स है उनको छोटे छोटे वीडियोस में डालूंगी और ऐसे टाइम पे जिम जाऊंगी जब एटलीस्ट इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो कि फिल्मिंग में प्रॉब्लम आ जाए. एंड लास्टली, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये है मेरा डेडलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जीतने का वीडियो. गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय.